वेलकम बैक माई चैनल लिली रिप्लो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं अच्छी नहीं हूँ। आप लोग अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरा देखिए हालत कैसा हो गया, दो दिन से मैं बेड से उठी ही नहीं। मैं बताती हूँ आगे। तो आज का ब्लॉग है, मतलब दो दिन का ब्लॉग है। मुझे तो दो दिन, ये देखिए बारिश हो रहा था शाम को, दो दिन मुझे इतना तेज, शनिवार और रविवार को मुझे बहुत तेज बुखार हुआ। मैं बेड से उठ भी नहीं पाई, इतने तेज हुआ। तो बारिश देखिए हो रहा था। तो ये है सोमवार इवनिंग का ये वीडियो है। इवनिंग में मैं शॉप गई थी, तो शॉप से चली आई मैं, ज़्यादा मतलब 5-10 मिनट बैठी और चली आई मैं नहीं रुकी। और इतना बारिश भी हो रहा था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बैठ जाती तो और भी बुखार हो जाता था, मैं नहीं गई, नहीं रुकी वहाँ। और तो आप लोग सोच रहे होंगे जो कल वाला जो वीडियो था, वो वीडियो मेरा जो फीवर होने के बाद का वीडियो ही आप सोच रहे हैं ना? नहीं नहीं, वो था ना पहले जो फीवर होने वाला मतलब हुआ। तो कितनी अच्छी हो तो मेरी प्यारी प्यारी बेटी हो। नहीं सच्ची में, बंद करो देखिए जी हमारी प्यारी प्यारी बिटिया रानी, मेरी तबीयत खराब है तो सब कुछ काम कर रही है। और चलिए मैं दिखाती हूँ मेरी प्यारी सी बिटिया रानी कैसे बना रही है रोटी। क्या होता है ना, जब भी मैं वीडियो बनाती थी तो बेबी बेटी जो खड़ी होती है ना, मतलब कुछ बनाती तो मैं वहाँ दिखा दे ना, वो शर्माती है हमेशा। तो मैं उसकी मज़ा ले रही थी। और इधर देखिए कपड़े बहुत सब हुआ था। अगले दिन का वीडियो, वो तो पहले दिन का मतलब सोमवार था, ये मंगलवार दिन का वीडियो था। सॉरी सो वो था मंगलवार दिन का वीडियो। तो ये देखिए बारिश भी हो रहा था तो कपड़े अंदर पड़ा हुआ था। ये सुबह का वीडियो, बुधवार दिन का मतलब टुडे, आज का वीडियो। ये तो कल जाएगा, गुरुवार दिन जाएगा। तो ये तेल देखिए, मैं लहसुन के साथ सरसों तेल को पहले मैं गरम कर लिया, उसके बाद मेरे पाँव में दे रही हूँ। मुझे तो आज गीला होना है, पानी होना है, इसीलिए मैं क्या करूँ ना, मेरा कहते हैं तली पा कहते हैं, तो पाँव में मैं लगाई अच्छी तरह से, मेरे गर्दन में दी और बाल में भी दे दी हूँ। देख लीजिए मेरा हालत, मतलब कैसा मैं दिखाई दे रही हूँ आपको तो पता चल रहा है ना। तो बेटी के साथ बैठ कर ओ, हमेशा मेरे घर में है बच्ची, मतलब मेरे आसपास ही हमेशा रहती है। हम ऐसे हंसी मजाक हमेशा करते हैं। और मैं पहले क्या करी ना, पहले तो वॉशिंग मशीन पर डाल दी हूँ और धोबी आया था, धोबी इसे थोड़ा सा पानी छिड़क दिया और चली गई। तो मैं क्या करी ना, उसके बाद सारे कपड़े को वॉश कर रहे। और ये देखिए किचन में आई, किचन का भी सब सफाई कर रही थी तो बेटी हंस रही थी। गाया तो धोखा ही है,
किस लिए आज साफ सफाई हो रहा था? जो हमारा नाती जो पोती हुई ना उसी के लिए सारे धोबी आकर साफ करेगी और रूम का भी सारे रूम भी साफ सफाई हुआ इसी वजह से। तो आपको मैं पहले तो नहीं बताई, बीच में ही बता रही हूँ। एकदम से क्लीन हो गया अभी बच्ची सब को, एकदम से हम क्लीन हो गए हैं। आपके यहाँ कैसे होता पता नहीं, हमारे उड़ीसा में होता है उसका जो नाभि में जो कोड लगता है ना वही कोड जब गिरता है तब जाकर हमारा सब साफ क्लीन धोबी आकर साफ करता है। तो हम उसके बाद ही पूजा करते हैं, आज नहीं कल से पूजा स्टार्ट करूँगी। क्या बोल रहे आप जो डायलॉग मारती है मुझे वही डायलॉग आपको मैं सुना रही थी, ऐसे बोल के हंस रही थी, तो ऐसे हंस रही थी। और ये ना जो जो कल वाला वीडियो था वो था शुक्रवार दिन का वीडियो, और ये तो एकदम से दो दिन का वीडियो, ये मंगल सॉरी सोमवार में बोल रही थी, सोमवार नहीं मंगल मंगलवार और बुधवार का वीडियो। ये किचन को एकदम से सर्फ से दीवार को साफ कर रही थी, टाइल्स को साफ कर रही थी और कुछ बर्तन भी था और बर्तन को भी साफ कर रही थी। और मेरे बाल भी देखिए कैसे ऑयलिंग हो गया है, ऑयल में लगा ली हूँ ना इसीलिए ज़्यादा ऑयल हो गया है बाल भी। वैसे भी तो मेरा टोन से आपको अभी पता चल रहा होगा। और जो वीडियो तो था पहले का वीडियो था उसको अपलोड भी करी थी लेकिन उसको पब्लिक करने वाली भी थी, लेकिन क्या करूं मेरा इतना मैं तो मोबाइल भी पकड़ भी नहीं पा रही थी, दो दिन कैसे सोई और मोबाइल का मेरा डाटा वैसे ही रह गया ऐसा हुआ। और उसके बाद जो किचन का काम ख़त्म करी तो और जो कपड़े था वॉश हो गया था, मैं वॉशिंग मशीन में डालकर धोती तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मैं क्या करी ना सिर्फ वॉश होता है वॉश हो रहा था और मैं बाहर टॉब में पानी डालकर ही उसको धो रही थी तो जल्दी ही मुझे काम ख़त्म हो गया। मतलब इतने सारे कपड़े मैं साढ़े नौ दस बजे तक हो गया देखिए इतने सारे। और मेरे भतीजे भी मुझे मतलब हेल्प कर दी, थोड़ा नहीं बहुत ही हेल्प कर दी है। तो देखिए रस्सी को हम बांध के सारे कपड़े को स्पिन तो कर दिए थे, रस्सी को बांध के सारे कपड़े को सुखा दिए हैं और आज ही सारे सब सूख गया। तो ये भतीजी को तो आप मेरे ब्लॉग में देखती रहती हो तो देखिए कैसे मेरे छत के ऊपर टेरेस के ऊपर सारे कपड़े कैसे फैला हुआ है। थैंक गॉड आज सुबह तो बारिश हो रहा था, दोपहर तक मतलब नौ बजे तक तो कोई भी बारिश नहीं हुआ। देखिए नीचे पानी है ना वो बारिश था इसीलिए पानी है, लेकिन आज दिन भर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ, बहुत तेज धूप भी हुआ। जितने भी कपड़े मैं धोई थी जो सारे सूख गया, सिर्फ एक नहीं सूखी, उसको नीचे गिर गया था तो फिर से कल उसको धोना है। देखिए अरे एक भी सब्जी मेरे बागान से आए तो मुझे मेरे को बहुत ही खुशी लगता है भाई, मेरे को बहुत ही खुशी लगता है। अभी तो बेटी बना रही थी खाना तो मैं नहीं दिखाई हो, और भी बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है इसलिए मैं नहीं दिखाई हो सब। और कुछ भी नहीं ज़्यादा कुछ बनाई, चावल दाल और आलू भरता बस वही था। और जो हम जो भुना हुआ भून कर ही खाए हैं आज, टमाटर को भी भुने वो सब खाए, और लेट हो जाता ना इसीलिए लेट में सब कुछ मतलब एकदम सिंपल सा करी तो कुछ नहीं दिखाई। और ये देखिए जो हमारे पर्दे लगा रही थी जो कर्टन लगा रही थी शाम को, और कपड़े बहुत सारा पड़ा हुआ है मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए आपका आज का ब्लॉग उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।